यूपी के गाजीपुर की रहने वाली 27 साल की डॉक्टर ममता राय की केरल के कोची में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो दिल्ली के एम्स में पोस्टेड थी, वहीं से पीजी भी कर रही थी। डॉक्टर ममता कोची में आयोजित एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गई थी। कॉन्फ्रेंस स्थल के पास होटल में उनकी डेड बॉडी मिली। डॉक्टर ममता के रिश्तेदारों का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ममता की हत्या कर दी गई है। घर वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी से मना करने पर दिल्ली के डॉक्टर संजय कुमार और उनके दोस्तों ने उसकी हत्या की है। यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने ममता से पहले सुसाइड नोट लिखवा कर रखा था। मौत के विरोध में डॉक्टर ममता के परिजन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे मामले से वो पर्दा उठाना चाहते हैं। डॉक्टर ममता की मौत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों सवाल बन रहे हैं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता पवन मिश्रा बता रहे हैं। एम्स की होनहार डॉक्टर ममता राय कोची तो जाती है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो जाती है। हालांकि परिवार वालों ने उसकी हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर के पास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग यहां धरने पर बैठे हुए हैं और एक तख्ती भी है जिसमें लिखा है डॉक्टर ममता राय को न्याय दो, न्याय दो। इनका आरोप है कि उसे मारा गया है। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामजी राय। रामजी जी, क्या हुआ, मामला क्या है? ये डर्मेटोलॉजी डॉक्टर और ये गोल्ड मेडलिस्ट एमबीबीएस थी एम्स से ही, और पीएमटी में इसका 25वां रैंक मिला था। और ये डॉक्टर संजय सिंह बार बार इसे जिद करता कि तुम शादी करो मेरे से, ये बार बार ना करती थी। इसकी वजह एक ये थी और दो जन एक तरफा प्यार की वजह आप मान रहे हैं? एक तरफा प्यार की वजह थी। वहां पर भी ये लोग गए हैं, 10:43 पर डॉक्टर ममता ने अपनी फ्रेंड्स डॉक्टर रिमी को पटना में फोन किया है कि हमको यहां से जल्द निकालो, मेरी जान खतरे में है। डॉक्टर रिमी ने कहा आपको मैं फ्लाइट का टिकट अरेंज कर रहा हूं, तुम अपने मोबाइल से टिकट निकलवा लो। जब यह टिकट निकाल रही थी उसी समय डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर नेहा तनेजा लोग गए हैं, इसका मोबाइल लोगों ने छीना और उसके बाद जो है इसे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया गया। सुसाइड नोट लिखवाने के बाद इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया और वहां पर जो जांच कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया? ये है, जो लड़की कोची में अपने फ्रेंड से करे कि मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, वो लड़की कभी सुसाइड कर नहीं सकती। डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर नेहा तनेजा हमारी बेटी के हत्यारे हैं, न ही उनसे वहां पर पूछताछ हुई, न उनका मोबाइल जब्त हुआ, न लैपटॉप जब्त हुआ, न ही होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पूरे मामले की अभी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य इंसाफ के इंतजार में हैं। सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कॉपरेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो है जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश अभी की जा रही है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।